प्रणाम। हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो अदर आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस पिक्चर के ट्रेलर के नाम है गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस पिक्चर काफ़ी एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट मूवी है। कॉमेडी, रोमांस और सेंटिमेंटल और एंटरटेनमेंट मूवी है। जैसे पिक्चर के ट्रेलर में देख सकते हैं हमारे फेमस एक्टर्स अक्षय कुमार और करीना कपूर दिखाई देते हैं। जैसे ये जो है दो परिवार के बीच का है, दो हस्बैंड दो कपल्स के बीच का प्रॉब्लम है जो एक ही सरनेम पे बिलोंग करती है, वह बत्रा। दरअसल दोनों को एक जैसा प्रॉब्लम होता है और शुरुआत में दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार और करीना कपूर जाते हैं डॉक्टर के पास, जो IVF फर्टिलिटी सेंटर जो कहते हैं, उनके पास जाते हैं और अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। एक एक जो डॉक्टर्स जो सवाल किए जाते हैं उसके हिसाब से लोग जवाब देते हैं, कभी आगे पीछे करके जवाब देते हैं। फिर आखिरकार दोनों कपल्स के बीच में ये होता है कि दोनों कपल्स ये डिसाइड करते हैं कि IVF के द्वारा बच्चा पैदा करें, जो IVF फर्टिलिटी सेंटर जो कहते हैं, तो उस के द्वारा लोग बच्चा पैदा करें। तो इस तरह चलता है और डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर की एक छोटी सी गलती होती है, छोटी सी बोले तो बड़ी गलती है, जैसे इसमें छोटी सी गलती ऐसे कह देते हैं डॉक्टर, जो जो स्पर्म जो होता है जो अदल बदल कर देते हैं, इनका स्पर्म उनके में और उनका स्पर्म इनके में बदल के इंजेक्ट करके उन्हें गर्भवती बना देते हैं। सो इस तरह प्रॉब्लम्स पैदा होता है और दोनों परिवार के बीच एक रिलेशनशिप बढ़ जाता है, एक क्योंकि दोनों का प्रॉब्लम एक जैसा होता है, क्योंकि इनका स्पर्म उनके में जाता है उनका स्पर्म इनके में जाता है। इस तरह एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट हो जाता है। और जो जो दूसरे जो हीरो जो है हमारे दिलजीत, तो काफ़ी फेमस एक्टर है, पंजाबी एक्टर, और जो उनके साथ जो हीरोइन के रोल कर रहे हैं करिया अडवाणी, जो इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रहे हैं, जो सेकेंड हीरो और सेकेंड हीरोइन के जो रोल कर रहे हैं, दोनों के बीच के परिवार के बीच एक रिलेशनशिप पैदा हो जाता है कि ये कह के कि मेरा बच्चा आपके पेट में, आपके वाइफ के पेट में, और मैं आपका बच्चा हम मेरे वाइफ के पेट में। इस तरह प्रॉब्लम दूसरे के बीच एक रिलेशनशिप पैदा होता है, ऐसे एक कॉमेडी एंटरटेनमेंट का दिखाया जाता है। और काफ़ी अच्छा है ट्रेलर, काफ़ी अच्छा है। और ये पिक्चर जो अगले महीने 27 तारीख को रिलीज होने वाली है, दिसंबर में, क्रिसमस के लिए, देखते हैं पिक्चर जब रिलीज होगी तो थिएटर में किस तरह अपना ना पहचान बना पाएगी और अच्छा पैसा कमा पाएगी और बॉक्स ऑफिस में किस तरह अपनी एक अलग पहचान पाएगी। जैसे पिक्चर कॉमेडी एंटरटेनमेंट है, बाकी एक पिक्चर का ट्रेलर तो मुझे अच्छा लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐसे हादसे तो ऐसे हादसा जो है विदेश में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, इंग्लैंड देश है, उसमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो वैसे विषय को ही लेके इंडिया में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ऐसे कॉमेडी एंटरटेनमेंट की तरह बताया गया, ताकि इसे एक एंटरटेनमेंट की तरह देखें जबकि एक प्रॉब्लम्स की तरह ना देखें, इस तरह इसको दिखाया गया है। बाकी प्रॉब्लम तो है पर इसे एक एंटरटेनमेंट में से प्रेजेंट किया गया है कॉमेडी एंटरटेनमेंट की तरह। बाकी ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, देखते हैं जब पिक्चर जब रिलीज होगी तो थिएटर में किस तरह अपनी एक पहचान बना पाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भैरवी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कहना चाहते हैं आप जरूर कमेंट्स में कह दीजिएगा, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।